किया था, अब तक 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत उस पर खर्चा हुआ। और जितने शहर में गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस है उसमें तमाम गरीब बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन किट दिए, एसएससी के इम्तिहान की फीस दिए, ऑलिंगन गाइड दिए, हजारों की तादाद से बच्चों को इससे फायदा पहुंच रहा है। अब बताइए आपने क्या किया? और सब आकर बोल रहे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे को कुछ नहीं मालूम बिल्कुल, वो भी नहीं बोलना, उससे बढ़ के बोलो उनको। साइकिल पे निकल रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है, 4G का जमाना है, आप लमके पहने लगा देंगे। नायडू बैठे साइकिल पर, सीट फटती है, हर 2 कदम पर चेन गिर जाती, पंचर हुआ तो बोलते फलाना को मिला फोन, जरा कुछ देते क्या पूछ। ये इनकी गलती है, इनको नहीं करना चाहिए था, इनको नहीं करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला वैसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह होगा। बहरहाल साइकिल चला रहे हैं, सीट पर नायडू बैठे हैं, स्टैंड पे बैचलर बैठा है। क्या हिंदुस्तान की किस्मत है देखो आप, क्या हिंदुस्तान की किस्मत है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मैं निजाम कॉलेज में बीए पढ़ रहा था, हम उस जमाने में ज्यादा क्रिकेट खेलते थे, जरा क्लासेस को कम जाते थे, डुम्मा मारते थे, क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक। तो वो निजाम कॉलेज की कैंटीन के पास हमारा एक दोस्तों का छिजोरों का ग्रुप था, वहां बैठ के चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय, आखिर में कैंटीन कॉर्नर आके बोलता पैसे दे दे, नहीं देते दे। हम ना बोलते एक गुलाब जामुन दे दे, कल दे दे। तो बाहर कॉलेज की जिंदगी। एक दिन क्या हुआ, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चरर साहब राव साहब उन पीछे से आए, आके पकड़ लिए, भाग कर उठो। अब अपना उस्ताद आ गया, प्रोफेसर आ गया, अब क्या करेंगे, खामोश अदब का मुजाहरा करना, करो क्लास गए, क्लास जाके क्लास में बैठे। अब बैठ देखिए हमारी मौत पुकारी, पीछे बैठना शाम में बैठा जाके। हाँ आप उन्हों हिंदुस्तान की जमहूरियत पे लेक्चर दे रहे, राव साहब निजाम कॉलेज के प्रोफेसर, तो बोर्ड पे लिखे व्हाट इज इंडियन डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की जमहूरियत क्या है। तो फौरन लिख के बोले, कोई बोलेगा, वो बड़े तेज और माहिर था आदमी अपने सब्जेक्ट में, और कोई नहीं बोलता था हमारे सबको, अगर कुछ बोले तो उसको अच्छा बोले तो। आप नजर मेरे पे पड़ी, बोले तुम बोलो, तुम्हारे वालिद एमपी है। मैं बोला साहब एक न्याय आपके पास, आप बोलना मेरे। हाँ देखे कितना अदब फायदे में, अक्लमंद है, थोड़ा अक्ल है, खामोश हो गया। उसके बाद उन्होंने बोले इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, सुनो हिंदुस्तान की जमहूरियत एक स्वयंवरा है। स्वयंवरा मालूम क्या होता, स्वयंवरा क्या है कि पहले एक 700-800 साल पहले जब बड़े बड़े महाराजाओं की बेटी की शादी होती तो बड़े बड़े रजवाड़ों के नौजवान बच्चे आके एक लाइन में खड़े हो जाते और दुल्हन जिसको पसंद करती उसके गले में हार डालते। तो हमारे उस्ताद निजाम कॉलेज के राव साहब बोले हिंदुस्तान की जमहूरियत सुनो क्या है, कभी कभी वो खजे के गले में फूल का हार डालते। तो मैं भी चालाक था, मैं लंदन से पढ़ लिख के बैरिस्टर की डिग्री लेके आया, राव साहब कहा है देखेंगे जाकर। उनका घर सुल्तान बाजार के पास था, मालूम करके गया, बेचारे जईफ हो गए। तो घर को गया, एक मिट्टी का डब्बा था, उनका हार गंजे में डाल कर गया, साहब मैं आया देखो। लपका लिए, मुझे बहुत खुश हुए, बोले तुम याद रखे हुए डॉक्टर कमर नहीं साहब, आज भी याद रखो। तो ये जमहूरियत है, कभी कभी क्या होता पसंद नहीं आता दाल गले में गले। अब देख रहे ना आप पेट्रोल 80 रुपये कीमत कहां कहां चली गई, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, नहीं
ना उनको बोल रहा हूं ना महल्ले के आदमी उनको बोल रहा हूं जो महल्ले का नाम ले रहे ना नायडू किसको ले रहे भाई। ये एक माहरे फन है, पेट्रोल आसमान पे है, आंध्र प्रदेश कुछ नहीं हो रहा मगर नायडू पूरे मुल्क को बचाने निकले। तो मेरे भाई जमहूरियत को अगर सही बचाना है तो याद रखिए जिन लोगों का काम करने का रिकॉर्ड है उसको देखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। मंजलिस आपकी पार्टी है, मंजलिस आपकी जमात है, मंजलिस आपकी बेबाक आवाज है, मजलिस आपके बुजुर्गों की तर्जुमानी करने वाली जमात है। तो महल्ले से ऊपर उठकर ये हस्बियत के मजाए मत करिए और याद रखिए जमात ने तमाम मसलक फिरके के लोगों को जमा करके गुलदस्ते के तौर पर पेश किया है दुनिया के सामने और सारी हिंदुस्तान में हर जगह पर मुझे जाने का मौका मिलता तो लोग रश करते हसद करते पूरे कहा कि कैसा एक काम मजलिस ने किया। हम उनसे यही कहते कि हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने हमको रास्ता बताया, इनकी जिंदगी हमारे लिए मसाले राह है, इसलिए हम तमाम मसलक और फिरके के लोगों को जमा करते। मैं आज यहां से जलसे आम से उस बात को दोहरा रहा हूं कि फिरके महजविया के जो जिम्मेदारों से मुर्शिदीन से हमारी मुलाकात हुई मैंने उनसे वादा किया जो मेरी गुफ्तगू उनसे हुई उसमें कोई दुनिया की बात नहीं थी, उसमें सिर्फ अलग बात थी और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो उनसे वादा किया 11 दिसंबर के बाद जब नई हुकूमत बनेगी बनाना एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर बनेगा इंशाअल्लाह ताला, चंद्रबाबू नायडू गम के पैंडला मारते हुए विजयवाड़ा वहीं पर पड़े रहेगा, राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के यूं करते रहेंगे और यहां पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस जो मैं आपसे वादे किया उन वादों को पूरा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे इखलास के साथ हम उन वादों को पूरा करें। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे इतिहाद को मजबूत रखिए, इतिहाद को कामयाब करिए, जमात को कामयाब करिए, इनफरादियत को मत कामयाब करिए। ये जो लोग अहमद बलाला के ऊपर शख्सी हमले कर रहे हैं यारे बंद करो बंद करो, तुम जो घर में रहते हो कांच का नहीं बल्कि वो शेंडलियर की कांच उतने उसका बना हुआ है, खाली ऐसा हिलाया तो बहुत से चीजा तो रहने दो, पासपोर्ट बनाना भूल गए क्या मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, हर तकरीर में हर जगह पर बलाला ये बलाला वो बलाला ऐसा कर लिया बलाला ये, अरे भाई आप भी करो ना, कौन रोक रहा आपको, नहीं पैसा करे वो करे कुछ होता हुआ था कुछ भी नहीं, इंशाअल्लाह ताला मजलिस कामयाब होगी। इनको हम इस बात का है कि मलकपेट में एक भी फसाद नहीं हुआ, चंचलगुड़ा में किसी किस्म से कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इनको इस बात का हम है, इनको इस बात का हम सता रहा है कि हैदराबाद और तेलंगाना में अमन रहा। मेरे भाई इस अमन को और मजबूत करना है, दूरियां हैं इख्तलाफात है उसको कैसे कम कर सकते, ये जो ताकतें मजलिस के खिलाफ आ रही हैं ये दूरियों को बढ़ाना चाहती हैं, मजलिस दूरियों को कम करना चाहती है, ये इख्तलाफात को उस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाए। मजलिस ये कह रही है कि हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम अपने इख्तलाफात हैं तो बैठ कर बात करेंगे और मजलिस आपसे अर्ज कर रही है, मजलिस पुकार कर कह रही है कि ये जो गुलदस्ता है गुलदस्ते को मजबूत रखिए, अगर आप कोई काम है तो यकीनन मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हर गली कूचों में आकर जो काम नहीं हुए इन कामों को पूरा करूंगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दीजिए, 7 दिसंबर के दिन निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, याद रखिए यहां इस असेंबली हलके से मुकाबला बीजेपी से है, वोटर लिस्ट देख लो आप, बीजेपी से मुकाबला।